और अब वो आंधी जिसे देखकर और सुनकर दुनिया कहती है और भी जिनकी परफॉर्मेंसेस 20,000 वोल्ट से कम की तो होती ही नहीं है, द रॉक स्टार सर भी देव वर्मा। डिस्को हो रहा है अभिषेक और अनुजी के उधर और सोनम ने लाइट देने से मना कर दिया। There is a reason for this. I really think you are my favorite. और मैंने इस पिक्चर में एक आउटफिट पहना था इंडियन आइडल के कॉन्टेस्ट में। That was the first costume that I tried on in the film also. So I want to present this to you. I don't think green and red matters. This is my lucky outfit from the film. So can I please give this to you? Of course. How sweet is that? Thank you so much, ma'am. This is something very, you know, surprising and itna acha lag raha hai mujhe. You're too good. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sonam. That's such a sweet gesture for me. Sonam, main tumhare liye aise dream kar deta hu. Hello, Sonam ne to bata diya Sorbhi is gesture se hi ki unhe aapka performance kitna acha laga. And on top of that, I think yahi ek contestant hai jo दोनों स्टाइल उन्होंने इतने काबिलियत से गाया है। आई थिंक यू आर आउटस्टैंडिंग, यू शुड बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल। थैंक यू सो मच मैम। और भी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वो खूबसूरत की तेरे मेरे मिलन की है ये गाया आपने। कितनी यादें मुझे आ गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया आज से। कहाँ गई वो फिल्में, कहाँ गया वो म्यूज़िक, वो लिरिक्स, वो डायरेक्टर्स, वो परफॉर्मर्स, जिसमें सच्चाई थी, गहराई थी, फन था, आर्ट था, अब कम दिखाई देता है ऐसा। तुमने जो गाया ऐसा दिल को जाके लगा वो गीत, क्या आप लोगों के दिल नहीं रहे? ऐसा तो नहीं है, आज भी ऐसे गीत बनेंगे तो लोगों के दिल को छुएंगे, ये ऐसा सोचना चाहिए हमारे फिल्म मेकर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उस गीत को गाया। थैंक यू सो मच सर। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने दोनों ही रंग जो तकरीबन एक दूसरे के अपोजिट हैं वो बहुत अच्छी तरह दिखाए। बहुत दिलचस्प बात यह है
कि एक गाना जो है अभिषेक के पेरेंट्स का है और एक अभिषेक की वाइफ का, मगर सच तो यह है कि ये दोनों गाने हम सबके हैं। थैंक यू अभिषेक। कहने के लिए कुछ बाकी है नहीं। फैंटास्टिक, यू सैंग टू सॉन्ग्स विच आर ऑफ माय टू फेवरेट वुमेन इन द वर्ल्ड। आई थिंक इंडिया विल डिसाइड हुज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल, बट ट्रस्ट मी लिटिल लेडी, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ बीइंग द नेक्स्ट इंडियन आइडल। Sorry, everybody has spoken about it, the range that you've shown, you've sang a melodious, lovely song, and this is what I mean by true talent. And so true talent deserves to win. Tune aag laga di yahan sabki, tune aaj band baja di. You are 100% the next Indian Idol. For me, you have won today. Fantastic. Thank you so much. Here it is, friends. ये है इंडियन आइडल 4 का ग्रैंड फिनाले। और दोस्तों, हम बस थोड़ी सी दूर है जवां इंडिया की नई और सेंसेशनल आवाज को घोषित करने से। तीन टक्कर के दावेदारों के बीच में है मुकाबला, और मैं आप सबको बता दूं कि आपके पास अब भी थोड़ा वक्त है अपने फेवरेट को चुनने का। जी हाँ, रात 8:30 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा वोट भेजकर अपने फेवरेट को बनाइए म्यूजिक की शान, बनाइए उसे इंडियन आइडल। फ्रेंड्स, उससे पहले वो 11 जबरदस्त फाइनलिस्ट जिन्होंने इन तीनों को कड़ी से कड़ी टक्कर दी, हिंदुस्तान के संगीत, संस्कृति और स्पिरिट को समेटे, ये हैं वो 11 टेरिफिक सिंगर्स। लेट्स हियर इट फॉर देम गाइस। जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, नैनो तरे धुआ चले धुआ चले। जिया जले जा जले, नैनो तले धुआ चले धुआ चले, रात भर धुआ चले, जानो ना जानो ना जानो ना सकी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.